आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेशन। ठीक हो गया जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंसुलेशन जो है वो है क्या। जो सूरज से जो तवानाई, जो एनर्जी जो है, जो हीट जो है, वो अर्थ पे आती है तो अर्थ उसे अब्जॉर्ब करती है, जिसको इंसुलेशन कहा जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है कि भाई वो हीट, वो एनर्जी जो सूरज से अर्थ तक आती है और अर्थ जो है वो उसे अब्जॉर्ब करती है, ये क्या है, ये इंसुलेशन है। अब वो क्यों आती है, इसलिए कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको क्या चाहिए, उसको हीट भी चाहिए, उसको लाइट भी चाहिए, तो उसके लिए कंपल्सरी है कि इंसुलेशन का प्रोसेस हो। अदरवाइज आप देखें, अगर प्लांट्स हों तो प्लांट्स को अगर लाइट ना मिले तो क्या वो अपना फूड बना सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको भी जो है वो लाइट और हीट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी पार्ट है एक नेचर के अंदर। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि क्या 100% जो है वो इंसुलेशन होती है, तो ऐसा हरगिज नहीं। ठीक हो गया। अगर 100% इंसुलेशन हो तो आप यकीन माने कि यहाँ पे कुछ ना बचे। ये जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ मौजूद है, ये इसी वजह से मौजूद है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर मेजरमेंट के तहत आ रही है। अगर वो उससे आउट हो जाए, जैसे 100% अगर हीट नीचे आ जाए, तो मुझे बताएं कि क्या कोई पौधा जो है वो बचेगा, क्या कोई इंसान, कोई जानवर बच सकेगा इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा गर्मी से? ऐसा नहीं। ठीक हो गया। अब होता क्या है दिन के टाइम पे कि जब सूरज मौजूद है तो सूरज 100% क्या करता है जी, 100% अपनी जो हीट है उसको ट्रांसफर करता है नीचे की तरफ। तो जब वो 100% नीचे की तरफ आती है तो उसमें से जो 50% है वो एटमॉस्फेयर से, वहाँ के जो डस्ट है उससे, और क्लाउड्स से जो बादल हैं उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट होके 50% वापस चली जाती है। ठीक है। और जो बाकी 50% हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ जो है उसे अब्सॉर्ब करती है। समझे, फिर समझिए, क्या कहा कि 100% जो सूरज है वो 100% अपनी हीट नीचे भेजता है, तो उसमें से 50% जो है एटमॉस्फेयर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होके वापस आसमान की तरफ चली जाती है, जिसमें बादल हैं और डस्ट क्लाउड्स हैं, इनमें जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। बाकी जो 50% है वो अर्थ पे पहुंचती है और अर्थ उसे अब्सॉर्ब करती है डे टाइम के दौरान। ठीक हो गया। अब जब तक डे टाइम रहता है, जब तक वो एब्जॉर्ब होती रहती है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्बेशन का प्रोसेस। तो दिन के टाइम पे एब्जॉर्ब होती है और जब सूरज ढल जाता है, जब ये प्रोसेस रुक जाता है हीट ट्रांसफर होने का, तो फिर जो अर्थ एब्जॉर्ब कर चुकी होती है उसको क्या करती है, इमिट करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम कहते हैं रेडिएशन। ठीक है। वो जो हीट है जो अर्थ के अंदर मौजूद है उसको वो बाहर निकालती है, तो वो रेडिएशन होता है। अब आगे चलते हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो होता क्या है कि हम, क्योंकि रात के टाइम पे ये प्रोसेस है कि अर्थ जो है वो हीट ट्रांसफ़र कर रही है, अपनी हीट निकाल रही है रात के टाइम पे जब सूरज मौजूद नहीं, तो उस टाइम पे अर्थ के करीब का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर की तरफ तो वहाँ वैसे वैसे ठंड होती जाएगी। ठीक हो गया। यानी अर्थ के करीब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ हीट ज़्यादा, आहिस्ता आहिस्ता हीट निकल रही है अर्थ के अंदर से, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हीट जो है वो कम होती जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लैप्स रेट। क्या कहा जाता है इसको, लैप्स रेट, के अर्थ के पास जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर जो है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो दिन है वो ज़्यादा लंबे होंगे, यानी गर्मियों की अगर बात करें, तो उसमें क्या होगा, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और रातें छोटी होंगी तो कम जो है वो इमिट होगी या रेडिएशन उसकी होगी। वैसे ही अब ये सर्दियों के अंदर ये प्रोसेस जो है वो उल्टा हो जाता है। कैसे, कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, उस टाइम पर जो एब्जॉर्ब होती है हीट, रातें लंबी होती हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो सारी की सारी हीट जो है वो पहले ही खारिज हो जाती है और रात अभी भी बाकी बचती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अर्थ के करीब का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाएं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक हो गया। कि ये गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उल्टा हो गया। गर्मियों में क्या हुआ जी, लैप्स रेट हुआ। क्या हुआ कि अर्थ के करीब का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, ऊपर जो था वो कम था। अब सर्दियों में क्या हुआ, करीब का जो था वो कम हो गया, ऊपर का ज्यादा हो गया। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन है। तो